आज मैं बात करने वाला हूँ Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 10 Pro Max के बारे में। और हाँ, मैं इस सीरीज़ का जो तीसरा फ़ोन है Redmi Note 10, उसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। जिसने नहीं देखा वो वीडियो देख सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। उससे पहले दोस्तों, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल क्लिक कीजिए ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। फर्स्ट प्राइस, Redmi Note 10 Pro के तीन वेरियंट आते हैं। पहला 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट का प्राइस 15,999 रुपये है। दूसरा 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट का प्राइस 16,999 रुपये है। तीसरा 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट का प्राइस 18,999 रुपये है। अब आते हैं Redmi Note 10 Pro Max पे। 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट का प्राइस 19,999 रुपये रखा गया है। वहीं इसके 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट का प्राइस 21,999 रुपये है। ये फ़ोन तीन कलर में मिलेगा, जिनमें विंटेज ब्रॉन्ज, ग्लेशियर ब्लू और डार्क नाइट शामिल है। सेकंड, डिस्प्ले और बैटरी। नोट 10 प्रो और नोट 10 प्रो मैक्स, इन दोनों में 6.6 इंच का FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। इसका पिक्सल रेजोल्यूशन 2400x1080 है। इस पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। इसके अलावा इसकी ब्राइटनेस 1200 निट्स है, जिसका फ़ायदा आपको कड़ी धूप में मिलेगा। डिस्प्ले के साथ वाइड वाइन L1 का सपोर्ट भी है। ऐसे में आप नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम के HD वीडियो को आराम से देख सकेंगे। Redmi के इस फ़ोन के साथ आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले का आनंद मिलेगा। इसका अनुभव आपको गेमिंग और OTT प्लेटफॉर्म पर वीडियो देखने के दौरान होगा। डिस्प्ले के कलर शानदार हैं। इन दोनों स्मार्टफोन में 5020mAh की बैटरी दी गई है। फ़ोन के साथ 33W का फास्ट चार्जिंग दिया गया है। फुल चार्ज करने में 1 घंटे से ज़्यादा का समय लग सकता है। ओवरऑल इस फ़ोन का बैटरी बैकअप ठीक ठाक है। थर्ड है प्रोसेसर। इन दोनों स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर दिया गया है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो MIUI 12 बेस्ड एंड्रॉयड 11 पर काम करता है और जल्द ही ये MIUI 12.5 पर अपडेट हो जाएगा। प्रोसेसर मिड रेंजर है, इसलिए आपको इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप गेमिंग नहीं कर पाएंगे या आपका फ़ोन स्लो होगा, ऐसा नहीं है। पर्सनलाइजेशन के लिए यहाँ काफ़ी सारे फीचर दिए गए हैं। अगर आपको कस्टमाइजेशन पसंद है तो ये बेहतर है। आप चाहे तो एड्स को ब्लॉक कर सकते हैं और आने वाले समय में इसमें MIUI 12.5 का अपडेट दिया जाएगा। इसके बाद सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और भी इम्प्रूव हो सकता है। चौथा है कैमरा। Note 10 Pro और Note 10 Pro Max स्मार्टफोन में 4 रियल कैमरे दिए गए हैं। इन दोनों स्मार्टफोन का प्राइमरी लेंस अलग अलग है। जैसे कि Note 10 Pro का प्राइमरी लेंस 64MP दिया गया है और Note 10 Pro Max का प्राइमरी लेंस 108MP दिया गया है। बाकी के तीन कैमरे दोनों ही स्मार्टफोन के सेम हैं, जैसे कि 8MP का अल्ट्रा वाइड लेंस, 5MP का माइक्रो लेंस और 2MP का डेप्थ सेंसर। और सेल्फी के लिए इन दोनों स्मार्टफोन में 16MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। 108MP डिफ़ॉल्ट नहीं है, इसलिए कैमरा यूज़ करते समय कैमरा इंटरफेस से 108MP इनेबल करना होगा। सेल्फी कैमरा अच्छा है, यहाँ कई तरह के ब्यूटिफिकेशन फीचर दिए गए हैं। इन्हें इनेबल करके फ़ोटोज़ को बेहतर बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं अदर्स की। दोनों स्मार्टफोन में 4G वॉल्टी, वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS, AGPS, USB Type-C और 3.5mm का हेडफोन जैक दिया गया है। इसके अलावा इन फ़ोन में 360 डिग्री एम्बिएंट लाइट सेंसर भी दिया गया है। यह स्मार्टफोन 8.1mm थिकनेस वाला है और वजन 192 ग्राम है। Redmi Note 10 Pro Max में ड्यूल स्टीरियो स्पीकर भी दिया जा रहा है, यानी अब वीडियो देखते वक्त आपको शानदार साउंड क्वालिटी मिलेगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, take care.